भारतीय क्रिकेट की नई पेस सनसनी मयंक यादव रातों रात स्टार बन गए हैं। पहली बार आईपीएल में खेल रहे इस तूफानी गेंदबाज ने टी20 लीग में अपनी रफ्तार से दिग्गज बल्लेबाजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। लगातार दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने मयंक अपने प्रदर्शन से खुश हैं। उनका कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, उनका लक्ष्य लंबे समय तक देश के लिए खेलना है। मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मयंक यादव की आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में हर गेंद शानदार थी। उन्होंने विस्फोटक बैटर ग्लेन मैक्सवेल को शॉर्ट बॉल पर आउट किया, तो वहीं रजत पाटीदार भी शॉर्ट बॉल पर गच्चा खा गए। उनका सबसे बेहतरीन विकेट कैमरन ग्रीन का रहा। ग्रीन को मयंक ने 8वें ओवर में निपटा दिया। मयंक ने जिस गेंद पर ग्रीन को क्लीन बोल्ड किया वो गेंद बेहद खास थी। इस गेंद पर ग्रीन का फ्रंट फुट हिला तक नहीं और गेंद गोली की रफ्तार से आकर उनका ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। मयंक ने इस दौरान 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो सीजन की सबसे तेज रही।